के एपिसोड में अर्चना मैम आपको बड़ा मजा आने वाला है। पंजाब की धरती से वो सुरीले लोग यहाँ पे आने वाले हैं जिनके हर गाने पे पूरा हिंदुस्तान झूम उठता है। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा बुलंद आवाज के बादशाह द वन एंड ओनली दलेर मेहंदी। क्या बात है। दलेर भाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कपिल भाई के। बहुत तो खुशी इस बात की है कि एक ही शेर था और एक ही शेर है और एक ही रहेगा। थैंक यू भाई। और जो दोबारा पारी शुरू हुई है ब्लेसिंग दीजिएगा कि हमारे भाई को लंबी उम्र बहुत अच्छी सेहत बहुत सारी खुशियां। क्योंकि खुशियां जितनी अपनी खुशियां आप में बांट रहे हैं तो सिर्फ दुआएं दीजिएगा और हमारी भी बहुत सारी दुआएं। लव यू भाई। थैंक यू भाई। आज मजा आने वाला है। सामने दलेर पाजी और इधर सामने अर्चना जी। इनके सुर जितने ऊंचे लगते हैं पाजी इनका लाफ्टर इतना ऊंचा है ना कई बार तो भगवान कहता है ऊपर से भाई चुप कराओ इनको। तो इससे पहले कि दलेर पाजी से बातचीत का सिलसिला शुरू करें पाजी हमारा फेवरेट दीवानी। थैंक यू हमारे दर्शकों के लिए। और मैं चाहूंगा कि अब मेरे साथ जो वर्ल्ड मिशन जो आए हैं बहुत कमाल और आना और माशा मैं चाहूंगा कि उनको भी ज्वाइन में जी प्लीज आना और माशा के लिए जोरदार तालियां। भाजी आना कौन है माशा कौन है। आना हाय आना कितना लेट आना हुआ आपका आना। हाउ आर यू माशा। माशाल्लाह क्या बात है। ये लड़की तो कच बुझाए भी ना मेरे को वैसे ही अच्छी लग रही है। क्या बात। आई एम श्योर। हेलो क्या बात है। थैंक यू सुपर। थैंक यू भाई। क्या बात है भाई। लव यू भाई। क्या बात है। मुझे पता ही नहीं था कि म्यूजिशियन ऐसे भी होते। नहीं तो दिनेश तू मैं चाहूंगा कि एक बार पूरे मिशन हमारे इनको भी खाए जाए और जो मेरे मिशन है इधर भी थोड़ा नजर लगा। क्या बात। थैंक यू सो मच। आना माशा यू कैन टेक योर सीट्स प्लीज। थैंक यू सो मच। हालांकि थैंक यू आना अच्छा लगता है ग्लैमर आसपास रहे ना तो अच्छा लगता है। खैर दलेर पाजी से बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। अब वक्त है पंजाब के एक और दिग्गज सिंगर को मंच पे बुलाने का। इन्हें पंजाब में राज गायक की उपाधि से नवाजा गया है। आप सब इनको बहुत प्यार करते हैं सो प्लीज वेलकम सुरों पे राज करने वाले लेजेंडरी सिंगर पद्मश्री हंसराज हंस जी। बहुत सारे लोगों को वैसे तो पता ही है जैसे हंसपाजी की एंट्री हुई तो दलेर पाजी के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। वो इसलिए भी आ गई एक तो दोनों एक दूसरे के फैन तो हैं लेकिन दोनों समधी भी हैं। तो जफ्फी ये समधी वाली जफ्फी है। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने बहुत साल पहले इनके शो में मतलब बहुत धक्के खाए और मार खाई इनको सुनने के लिए। तो मैं जब मेरे सामने आते तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैंने आप दोनों के शो देखने के लिए बड़े धक्के खाए। मैं बहुत बार दलेर पाजी को बता चुका हूँ। एक बार अमृतसर में जब नाइट हुई ना दलेर मेहंदी नाइट हम लोग गए तब मैंने मिका पाजी को पहली बार देखा था इनके पीछे गिटार बजाते हुए। फिर हंस पाजी को मैंने इनका किस्सा सुनाया कि अब मैं नाम नहीं लूंगा वो हमारे पड़ोसी थे तो फालतू में रिलेशन बिगड़ेंगे। उन्होंने झूठ बोल के बोला कि हमारी गली में हंसराज हंसा रहे हैं उनकी शादी में। मेरे से और मेरे बड़े भाई से ना सारा वो फर्श धुलवा दिया कि यहाँ पे हंसराज हंसाएंगे आज। हम लोग सफाइयां करते रह गए पाजी आए नहीं। पर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है दलेर पाजी हंस पाजी आप आज हमारे शो पे हो। पाजी एक सवाल था अर्चना मैम का। इन्होंने ये कहा कि दलेर पाजी और हंस पाजी जब साथ में हैं तो इनसे पूछना कि जब आपके बच्चों की आपस में शादी हुई तो लोग तो कुंडलियां मिलाते हैं आपने सुर मिलाए थे क्या हुआ था। मेरी बेटी अजीत है जी और उसने मुझे कहा कि पापा के हुण मेरा ब्याह कर दो। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अब सोचा भी किससे किससे होनी चाहिए शादी बस जिनसे आपका दिल करे जहाँ बोले वहाँ शादी कर लूँ। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये बादशाह हैं बहुत कमाल हैं बहुत कमाल गाते हैं और सच्ची बात करूँ मैंने तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि नवराज हंस गाता भी है या एक्टर है मुझे पता नहीं था। अच्छा। और तो मैंने एक जैसे ने कहा कि जहाँ आपका दिल करे तो मैं फिर अर्जी लेके भाई कुल गया। अच्छा जी।
मुझे बहुत खुशी हुई जब भाई ने कबूल कर लिया के वाह वो चार चांद लगे हमारे नाम पर। क्या बात है। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, अर्जी पहले मैंने डाली थी। तो कहीं मिले थे तो ये आपको पता है माशाल्लाह ड्रेस अप कैसा होते हैं। जी जी। तो वाकई बादशाह लग रहे थे और बहुत बड़ा कोई शो था बॉम्बे में ही। तो मैंने इनको ये अर्जी डाली थी कि मैं तो फकीर हूँ, आप बादशाह हैं। तो मैंने अर्ज ये किया था कि कहाँ ये मर्तबा अपना, कहाँ ये मर्तबा अपना कि तकलीफ़े शराकत दूँ, मगर मेहमान फकीरों के हुए हैं बादशाह अक्सर। मुझे एंजल की शक्ल में मेरी बेटी अजीत कौर मिली है। मेरी माता जी का नाम भी अजीत कौर है। वाह वाह, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने याद किया, वरना आपने पता नहीं धक्के खाए या नहीं खाए। आजकल सारे धक्के खा रहे यार, सानू उदो बुलाना जो बंद हो जाना शो। एक बार बंद हो चुका है, अब ऊपर वाले का अब नहीं है, बस अब शुक्र है। बंद नहीं हुआ था, इंटरवल था। पाजी आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां एक बार हंस पाजी और दलेर पाजी के लिए। आज हमारे शो में वाकई में चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ पंजाबी गायकी के एक और जबरदस्त सितारे को। प्लीज वेलकम मिस्टर जसबीर जस्सी। पाजी वेलकम, लव यू। जोरदार ताले एक बार जस्सी पाजी के लिए। पाजी कमाल है, मतलब कितने साल हो गए पाजी दिल्ली कुड़ी गुजराती को? 20 साल। क्या बात है, 20 साल पहले भी ऐसे ही दिखते हैं जस्सी पाजी। पाजी क्या खाते क्या हो आप? मैं कुछ खाता ही नहीं एक्चुअली। लग रहा है। पाजी बात सवाल था एक्चुअली, हमारे गुजरात से कहाँ कौन कौन से दर्शक हैं हमारे यहाँ पे, काफी लोग थे, तो इनका ये कहना था कि ये कुड़ी जो आपकी सच्ची में कोई गुजरात वाली थी कि वैसे इमेजिन करके गाया आपने? कोई थी आपकी लाइफ में गुजराती कुड़ी? एक्चुअली एक कुड़ी थी गुजरात से जिसके लिए, और मुझे याद है जब मैं उसको मिला था तो मैंने सबसे पहले आके हंस पाजी को बताया था। अच्छा। तो इन्होंने बोला कि ऐसे करना है कि अब जो उससे इंस्पिरेशन मिलेगी। अच्छा। वो इंस्पिरेशन एक ही थी कि उसने बोला था कि नेशनल पे हिट होना है। अच्छा। तो पाजी ने बोला कि मैं गाइड करूंगा, तू नेशनल पे हिट होएगा। वाह क्या बात। तो अगर आपने पाजी गुजराती लड़की से प्यार करके नेशनल लेवल पे हिट हो गए, इधर आना और माशा भी है इंटरनेशनल लेवल पे हिट हो जाएंगे। पर पाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। जैसी पाजी पहली बार हमारे शो पे आए, इनके लिए जोरदार तालियां। पंजाब के तीन महान सिंगर्स तो हमारे साथ हैं ही, अब वक्त है इसी कड़ी में एक और मेहमान को यहाँ पे इनवाइट करने का। ये एक ऐसे सिंगर है जिन्होंने बहुत सारे फिल्मी गाने गाए हैं और इनका गाया हुआ हर गाना सुपर डिपर हिट होता है। सो प्लीज वेलकम द हिट मशीन सुपर हिट बॉलीवुड सिंगर माय फ्रेंड मिका सिंह। वेलकम पाजी, एक बार मिका पाजी के लिए जोरदार तालियां। और एक बार मेरा सुपरस्टार भाई के लिए जोरदार तालियां। बस हम एक दूसरे की तारीफ कर करके छा रहे हैं पूरी दुनिया। जैसे दिलीप भाई ने बोला था कि एक ही शेर था, एक ही शेर है और एक ही शेर रहेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं मिका भाई। I love you भाई। मैं कह रहा हूँ कि ये जो गाने गा रहे हैं वो तो हिट आई। अच्छा, जो गाने ऑलरेडी 20-20 साल पहले हिट हो चुके उनको दोबारा गागा के हिट कर रहे हैं। भाई वो जिन सिंगर्स के आप गाने गा के हिट कर रहे हो वो आपसे कमीशन नहीं मांगते कि भाई हमारा गाना गा के? नहीं, मैं कोशिश करता कि उनसे बेटर गाऊं, कोई कमी रह गई थी तो उसको दोबारा से मैं गाता हूं ताकि अच्छा हो जाए। अच्छा मिका भाई के गाने कितने हिट होते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। इन्होंने 2016 में 4 गाने गाए, 2017 में 8 गाने, 2018 में 17 गाने गाए। पाजी आपकी गाने की कैपेसिटी बढ़ रही है कि आपकी लोन की किस्तें बढ़ रही हैं? यार मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं इतने गाने गा रहा हूँ और हर शो पे पैसे मिलते हैं अच्छे खासे, भगवान की बहुत कृपा है, दिलीप पाजी की बहुत कृपा है कि मैं इतने पैसे कूट रहा हूँ, लेकिन कई ऐसी शादियाँ होती जिसमें फ्री में गाना पड़ता है यार। पाजी आई लव यू। और खास करके चलो समझ में आता है, जस्सी की शादी हो रही हो तो मैं फ्री में भी गाऊं, चलो गरीब इंसान है। जो इंसान ऑलरेडी इतने पैसे कमा रहा है यार, वो अपनी
तरफ से ही। पाजी आ जाओ, प्लीज विराजमान हो जाइए। जस्सी तो बीच बैठेंगे यार, आज आज तू स्टार है। बस आज रात के लिए। मेरे पाजी एक बच्चे का सवाल था जी, वो कह रहे थे कि आपने, दलेर पाजी आप तो जरूर सुनेगा, आप भी इसमें पार्ट ले सकते हैं, आप बता सकते हैं कि 4 साल की उम्र में बंदा तबला बजा रहा है, 8 साल की उम्र में हारमोनियम बजा रहा है, 18 साल की उम्र में एल्बम भी निकाल लिया, करे शादी में इतना लेट क्यों? मैं वेट कर रहा था कि कपिल की शादी हो जाए, क्योंकि जब भी कोई बच्चा सीधा होता ना फैमिली में तो हमें डर रहता है पहले उसकी शादी हो जाए यार। अब कपिल की शादी हो ही गई है तो मैं भी पाजी जल्दी कर रहा हूँ। पर जिस दिन कपिल की शादी पे गाने जाना था ना, मीका मुझे पहले बोल रहा था जस्सी जरूर जाना यार, उत्थे जरूर जाना, क्योंकि उत्थे आपा गावांगे ना तो बड़े सारे शो मिलेंगे उत्थे। अर्चना जी, मैं दिल्ली में इनकी पार्टी में गया था, हालांकि इनकी पार्टी 20 साल में पहली बार कोई ऐसी पार्टी जिसमें ये बंदा पार्टी देता है, इतना कंजूस है। आप दलीप पाजी से पूछ लो, हंस पाजी को पूछ लो, कभी जिंदगी में इसके कोई घर गया है? क्योंकि बुलाते नहीं। मैं बुलाता हूँ मगर आते नहीं। पहली बार पार्टी हुई, कोई नहीं गया, मैं चला गया इसकी पार्टी में, तो इसको उम्मीद, इसने मुझे बुलाया भी नहीं था, इसको था मैं कहीं फंसा हूँ दुबई में, मैं कहाँ पहुँचूंगा। मैं प्रकट हो गया पूरा, इसको लगा यार मैं आ गया हूँ, तो दूसरे दिन मेरे घर पे आ गया चाय पीने, वैसे ही कि मैं रात को गिव एंड टेक होता ना कि थोड़ा सा, और मुझे बोल रहा है कि यार कल मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। मैं क्या, आप बॉम्बे क्या करने जा रहे हो? तो मुझे थोड़ा ताना मार रहा था, कपिल की रिसेप्शन है। मैं क्या यार, कपिल बहुत घटिया बनता, मुझे नहीं बुलाया उसने। बोले यार उसकी शादी और मैं उसका दोस्त हूँ, पड़ोसी हूँ, मुझे नहीं बुलाया उसने। कहता हाँ यार पता नहीं तेनू बुलाया नहीं उन्हें। मैं क्या यार मुझे तो बुलाया नहीं। अब 23 तारीख को पहले ही इतना चाय कि एक दिन पहले ही पहुँच गया वहाँ पे, इससे पहले कोई आइडिया कैंसिल हो जाए। और 24 तारीख हो गई और इसने किसी मेरे बैंड मेंबर को देख लिया घूमते फिरते, 2-4 इसको हट्टे कट्टे सदा जी नजर आए, तो मुझे मैसेज कर रहा है कि तू कहाँ पे है? मैं क्या यार मैं तो दिल्ली बैठा हूँ। कहता कपिल की शादी पे, मैं क्या मैं बात नहीं करूँगा उससे। अब 8 बजे ये मुझे देखता है कि मैं लाइव वहाँ पे गा रहा हूँ। और ना, और मैं चश्मा पहन के परफॉर्म करता हूँ तो मुझे पता ही सामने खड़ा है और मैं गा रहा हूँ, कपिल भाई इंजॉय कर रहे हैं, ये मेरे सामने खड़ा है और ये मुझे बार बार करे तो मैं ये कर रहा हूँ। ये हमारी मतलब सोच लो कि नानी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी भाभी भी है, हमारा सब कुछ है। क्योंकि ये लड़कियों की तरह चुगली करता है हर जगह। तो बाद में बताना चाहता हूँ दोनों समधी कैसे बने, ये दोनों ने झूठ बोला। मैं बताता हूँ असली स्टोरी क्या हुई थी। एक जगह दोनों हंस पाजी और दिलीप पाजी परफॉर्म कर रहे थे, हमारे तो लेजेंड्स ही हैं, और दिलीप पाजी ने रिस्पेक्ट में इनके लिए बोला कि हमारे सीनियर, जो हमारे सीनियर हैं, हमसे बहुत बड़े हैं औहदे में भी, वो आ रहे हैं हंसराज जी, तो ये स्टेज पे आ गए, इन्होंने परफॉर्म कर दिया, बात खत्म हो गई, शो बल्ले बल्ले तालियां हो गई, ये भी बड़े खुश हो गए यार, बड़ी रिस्पेक्ट मिली। अब जो चाची हमारी, चाची 12:30 बजे गई ऐसे ही, जैसे इनका स्टाइल होता है, पाजी तुझ ठीक हो? पाजी तुझ ठीक हो? अब ये पूछ रहे क्या हुआ क्या? कहता वो दिलीप मेहंदी आपकी बेइज्जती करके गया। ये बोलते हैं यार मैंने तो कुछ सुना नहीं। कहता नहीं, वो बोलता था कि आप बुड्ढे हो, बुजुर्ग गए, आप बुजुर्ग हो। ये सच्ची गल, सच्ची बात। अब ये हंस पाजी बोलते यार, लेकिन उसने बोला, कहता सीनियर का मतलब क्या होता है? सीनियर का मतलब बुड्ढा। अर्चना जी इतना भड़का दिया कि सुबह उठते ही सर ने नाश्ता नहीं किया, सीधा फोन लगाया और पाजी को नाश्ता करवाया कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, यहाँ से शुरू है। अच्छा ये तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हंस पाजी की। अब हंस पाजी के मुंह से कभी सुना नहीं ऐसे कि तू ये तेरी ऐसे ये, तो ये ना नाश्ता करते पूरी फैमिली के साथ, इधर से श्लोक चलता जा रहा है और ये सुनते जा रहे बहुत ज्यादा जब हाई हो गए। पाजी कहते दिलीप पाजी 1 सेकंड होल्ड करो, मैं फैमिली के साथ हूँ। यूं अपने लॉन्ज का बहुत बड़ा फार्म हाउस वहां पे गए। और जब इतनी लड़ाई होगी तो मुझे कहते कि यार हंसराज नु मार रहा। मैं क्या पाजी हंस पाजी नू कहता तू जानते गल नहीं सुननी है, तू सीधा ठाठा करता। मैं क्या पाजी नहीं यार। तो मैं क्या एक गल दसो होया की राती? कहते बस तेन नहीं पता मेरे नाल। तो मैं हंस पाजी नू फोन किया, मैं भाजी तेरे को जस्सी आया सीगा। मैं कुछ नहीं बोला। इससे पहले ये दोनों मिले, प्यार हुआ,
भाई साहब सीधा जलंधर, दिल्ली से निकली गए वहाँ से। वहाँ से इनका समझौता हुआ, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, उसके बाद ये समधी बने। सो ये स्टोरी थी। क्या स्टोरी है यार। तो ये जो है स्नैक्स जो आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। हाँ। मेन कोर्स की तरह हम बढ़ते हैं। जब नुसरत फतेह अली खान साहब का देहांत हुआ तब हम लोगों ने पेपर में पढ़ा था कि हंस पाजी को अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने फेलोशिप दिया है और वहां पे जाके अंग्रेजों को, वहां के जो फॉरेनर्स हैं उनको आप इंडियन क्लासिकल सिखाओ। तो पाजी कितना मुश्किल होता था, क्योंकि जहां तक मुझे पता है इंग्लिश आपकी भी मेरे जैसी है। तो पाजी उनको आप जब सिखाते थे इंडियन क्लासिकल तो प्रॉब्लम नहीं होती थी आपको? बस दो चार लाइनें रट ली थी। अच्छा जी। शुरू में क्या, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय स्पेशल ग्रेटिट्यूड मिस्टर प्रेसिडेंट। ओके। नाउ आई एम सिंगिंग राग मालकोंस। हां तो बस सा शुरू किया, 3 साल सा ही नहीं खत्म हुआ। फिर मैं इंग्लिश नहीं बोलता था। वो कहते थे बंदा देखो धुन का कितना पक्का है, खामोश रहता है सिर्फ अलाप कराता है। तो मजबूरी यही थी कि पढ़ने लिखने के वक्त पढ़ ही ना सके। और ऐसी बात नहीं पाजी, जब फिर वो शुरू होते हैं ना दूसरा, मतलब सरकास्टिक भी थोड़ा सा किसी को समझाना होता है। ले, जैसे इतनी तारीफ करके अपने नाल मिलाया भी मैं ना कहा, मैं हूं शुरू हुआ। जब जज बैठते हैं ना पाजी के साथ, एक बार मुझे जज बैठने का मौका मिला तो किसी ने गाया रियलिटी शो में, म्यूजिक शो में। हाँ म्यूजिक शो में, तो बहुत बहुत बुरा गाया उसने। तो पाजी अब उसको बुरा तो बोलना नहीं चाहते, कहते बेटे तेरे बाप का क्या काम है? हाँ। तो उसने बोला हमारी फैक्ट्री है जी। तो बेटे वहाँ आदमियों की जरूरत नहीं होती? जस्ती पाजी की बहुत सारी स्टोरीज हैं। अभी मेरे पास भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। हमेशा फील करते हैं कि अभी देखो कपड़े, हमेशा इनको लगता है ये स्टार है और फील करते रहते हैं हमेशा। और बिहेव भी ऐसे करते हैं, बैठना भी जैसे देखो हमें बैठना नहीं आता जितना ये बैठा। हम थोड़ा लल्लू लगते हैं जैसे। लगते नहीं आप हो। मैं पाजी ने, पाजी आप नहीं हो। आप अच्छा हो गया आपने तो अलग वाली कुर्सी ले ली। तो ये नया नया पहली बार 5 स्टार में ठहरा था। तो वहाँ पे इसने मुझे बोला कि यार, क्योंकि जब भी हम जैसे आज कपिल ने हमें बुलाया तो खाना कपिल का ही होता ना सारा। जो भी चिकन कोरमा या जो भी हम उड़ाते हैं वो 5 स्टार में, मतलब कपिल के नाम बिल फटेगा आज। तो वैसे इसको किसी ने बुला लिया होगा, मुझे बोलता चल तू डिनर पे आ जा। मैं कहा चलो यार मैं आ जाता हूँ। 11 की जगह 11:30 हो गया। तो अब देख जैसे सुपरस्टार बैठे मन में, बोलते यार अभी तो मेरा सोने का टाइम हो गया। मैं कह यार मतलब 11 और 11:30 अगर मैं 11 बजे भी आता तो 12 बजे तो हम खाना खाते। हाँ। नहीं यार हूँ मेरा सोने का टाइम हो गया ते मिके गुड नाइट सीधा ही। हाँ। और अभी तो मैं थोड़ा सा 10% पागल हूँ, पहले तो मैं 150% था। ओह गॉड। अब मेरा पारा पूरा हाई कि यार ये अपने आप को समझता गया, अपना बोला एक ही तो गाना इसका चला है 20 साल में एक गाना चला। मुझे बहुत गुस्सा, तो मैंने पूरा जो होटल का फ्लोर था, मुझे ये था कि इस फ्लोर पे है, होटल वाले बता नहीं रहे कि कौन सा रूम है, मैंने पूरा फ्लोर खड़का दिया जहाँ एक एक सब जगह लादे मार मार के किधर है जैसी बाहर निकल पा रहे हैं। बहुत गुस्सा था मुझे। ओह माय गॉड। तो इसमें इतने में एक शख्स की बड़ी स्वीट सी आवाज आती है कि आप किसको ढूंढ रहे हो? मैं कहा यार थे जस्सी को मैं ढूंढ रहा हूँ। कहता वो जो सामने रूम है ना वो जस्सी का है। तो मैं उसे देख रहे ना। हाँ, जो और वो जो बंदा है वो आया नहीं है, उधर से देख रहा है शेज में से ना दरवाजे में से। और मैंने वहीं पे ठा बहुत लाते मारे, इसने दरवाजा खोला नहीं। 3 साल बाद जाके ना मुझे हंस पाजी ने बताया कि वो जो दरवाजे में बताने वाले शख्स थे वो हंस पाजी। और मजेदार बात यह है कि इसमें 1% भी झूठ नहीं है। मीका हमेशा लड़ाई तो इसका मतलब धंधा है ना, एक्चुअली धंधा इसका वही है। तो एक बार क्या हुआ, मेरे म्यूजिशियन कहीं फंस गए, हमारी लड़ाई हो गई। तो मीके ने ना, मैंने मीके को फोन किया, मीका यार तू उधर है? कहता हाँ। मैं कहा यार मेरे म्यूजिशियनों को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वहां चला जा। मीका गया, जा गया, मेरे म्यूजिशियन छुड़ा दिए, मैंने इसका बड़ा धन्यवाद किया ये वो करके। नहीं, 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 नहीं। इसके इसने ना 2 शो पकड़े, बेचारा नया नया स्टार बना था ना। अब क्या हुआ, 2 शो में क्या करा कि
बेचारे का गाना एक हिट था तो मसाला ज्यादा था नहीं गाने के लिए. एक घंटा गाया और अपने शूज वहां पे छोड़ के स्टेज छोड़ के भाग गया वहां से दूसरा शो करने के लिए. दूसरे शो पे सीडी पे गाऊंगा मैं. अब यहाँ पे उन्होंने मुर्गे बना दिए पकड़े इस बिजनेस का. पूरा साउंड वाला पकड़ लिया, म्यूजिशियन पकड़ लिए. मुझे बोलता तू वहां जा, वहां पे सिर्फ 20-30 लोग होंगे. तो मैं पूरे 8 लोग लेके गया, वहां 500 लोग मारने के लिए बैठे हैं. और लकली मेरा थोड़ा नाम खराब था तो लोगों ने इनके म्यूजिशियन में छुड़ा के लाया. अब मेरा मुझे ये था कि मैंने इस पे एहसान कर दिया बस. अब ये एक सेकंड, जब भी मुझे मिलता था ना, मैं हर जगह था ना, मैंने जस्सी पाजी को बचाया. मुझे मिलता था नहीं, अभी भी मैं जब मिलता हूँ तो यही कहानी सुनाता है. जस्सी के साथ मैं इतना लड़ चुका हूँ लाइफ में और अब मैंने हथियार डाल दिए. अब ये जब भी चिराग जलाता तो जिन हाजिर होता, बता मेरे आका क्या चाहिए. मिक्के ने बहुत प्यार किया मुझे, बहुत प्यार करता है. कभी कभी तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट करता है कि सच्ची में आंखों में पानी आ जाता है कई कई बार. एक बार मुझे याद है इसका बर्थडे था तो सारे पाजी और 6 भाई सारे इकट्ठे हुए थे तो सारा मीडिया इकट्ठा हुआ. बहुत टाइम की बात है तो सारे लोग कह रहे थे कि 6 भाइयों की फ़ोटो खींचनी है. तो हम लोग पीछे हो गए, ठीक है. तो मिके ने बोला नहीं नहीं तू इधर आ, मेरा 7वां भाई है तू इधर. तो बीच में खड़े करके वो मतलब 3-4 महीने बेइज्जती करता रहता है, फिर एक कोई ऐसा काम कर देता है. इसकी इनसिक्योरिटी भी अंदर चलती रहती है बहुत अलग तरह की, अलग तरह की. मतलब एक गाना इसका हिट होता है फिर इसको इनसिक्योरिटी होती है किसी और का ना आ जाए, है ना. चेक करता रहता है मतलब हर टाइम ट्विटर ये वो जगह, या कोई और तो नहीं चल गया ना, कोई और तो चल गया है. तो और इनसिक्योरिटी की जो इंतहा है ना वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. मैं इसके घर में आया तो बेल बजी, एक बंदा अंदर आया, उसको इंस्ट्रक्शन देनी शुरू की इसने. मिके ने बोलना शुरू किया आया कर और वो ना गुलाब दे फूल वहाँ से तोड़ के ना तो ये पॉट में डाल दे, ये कर दे वो कर दे. तो मैंने थोड़ा सोचा, मैं रियाज कर रहे थे, मुझे लगा ये माली है. तो फिर मैंने सोचा यार मैंने क्यों जज करना है, छोड़ो ना ना. फिर वो बंदा मैंने देखा मंदिर के सामने पूजा कर रहा है. अच्छा, है ना, वही बंदा. मैंने उसकी शर्ट पहचानी, मुझे लगा यार ये वही बंदा है. फिर मैंने सोचा यार मैंने क्या लेना, छोड़ो ना ना. आपने सोचा पुजारी है. मैंने सोचा पंडित जी हैं जहाँ पुजारी है ना. फिर दूसरा दिन फिर वो हुआ, फिर ये घंटी बजी, वो बंदा आएगा था, वो फूल तोड़ ले वहां से वो कर दे, या यहाँ पॉट में डाल दे, ये वो कर दे. फिर वो बंदा आता था, कहता था प्रसाद प्रसाद, सबको प्रसाद बांटता था. मैं कहा मिक्के यार ये माली है या पुजारी है? कहता नहीं 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 ना माली है ना पुजारी है, ऐसा साडा ड्राइवर है. मैं क्या मतलब, कहता अगली किया है ना ये बाहर जाते हैं पूजा करने के लिए. तो मैंने इनको बोला कि नहीं इसी मंदिर में पूजा करनी है और मेरे लिए मांगना है. बहुत अच्छे शाबाश. कहता मैं क्या यार तू पागल हो गया क्या, बेवकूफ है. कहता नहीं नहीं वो थोड़े दिन पहले वैष्णो माता दे गए सी उत्थे, तो वहां पर ना सारा बैंड थी, कहते मत्था टिकना है. मैं क्या चलो. कहता बैंड को बाहर खड़े करके ना गुफा के अंदर जाने से पहले, तो मैंने कहा गल सुन, सब ने बोलना है माता को कि मीके को दे जो देना है. कहता मीके को दे जो देना है ये हमें देगा बाद में. वहां पे तो यार एक तो दीपक जी बैठे वहां पे, ये बहुत माता जी के फैन है. मैं भी वैष्णो माता जी का, और ये रम्मी है मेरा भाई कजन बुआ का बेटा, ये जिंदू भाई भी साथ में बैठे. तो जब भी मैं इनको लेके जाता हूँ ना, इनको कहाँ जाना है वैष्णो माता में चलते हैं, तो ना खड़े हो गए सारे लाइन में ऐसे. तो जब मांग रहे थे मैंने, मैं ही पीछे आ गया. मैं क्या बेटा क्या मांग रहे हो तुम? तो बस मांग रहे हैं ये है वो. मैं क्या तुम अपनी तरक्की चाहते हो ना? हाँ. बोल दो यार तुम मेरी इंच की कर दो बॉस की, मैं कर दूंगा. तो ना कहते हाँ मांग. मैं नहीं मैंने सुनना है. तो मैंने एक एक बोल रहा है, हे माता रानी पूरे परिवार का, परिवार पे सर पे मेरा प्रयास रखो और साढ़े भाई नो होर अमीर कर दो. बहुत अच्छा. अच्छा पाजी आपको पता है आज हमारे जितने भी गेस्ट हैं सोनी टीवी के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आज यहाँ पे. और थैंक यू तो आप सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सर. अच्छा ये वाला एपिसोड जरा दबा के चलाना है.
बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। भाई चाय भी कुछ कॉफी कुछ प्लीज भाई जरूर होने चाहिए। चाय पिलो चाय पिलो मीके को पिलाओ। दादा चाय लेके आओ ना पाजी। मैं कहा चाय से पहले थोड़ा सा क्योंकि नुसर साहब के हंसपा जी भी बड़े फैन है तो एक पाजी कुछ भी ताड़ा जो दिल करता पाजी। माइक आइए बैठ के कवाली करें जब खड़े होके जैसा आपका मन है बैठ के कर ठीक है फिर। सर क्या हुक्म आप तो सुन लो मेरे जैकेट तंग कर रहे हो जैकेट चेंज कर लो। अच्छा जी प्लीज प्लीज सुन लो। क्या बात है वाह 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 मजा आ गया। देखो अभी कितना अच्छा माहौल जमाया हंस भाई ने बहुत अच्छा गाया। एक बार जोरदार तालियां भाई ली दिलीप भाई ली भी तालियां जैसे भाई ली तालियां। पर जो हकीकत बात यह है कि हम जितना मर्जी अच्छा गा लें जो मेरी भाभी है गिन्नी जब कपिल गाता तो उस पर ज्यादा खुश होती है। अब हमने इतना गा लिया तब एक लाइन गाएगा तो कहेगी ओए होए एक लाइन ओ हंस हां एक एक लाइन प्लीज। अच्छा देखिए तालियां हाय 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 थैंक यू भाई सलामत रहो भाई। अरे क्या बात है सच सच बताना अभी हम सब में से किसने अच्छा गाया। कपिल 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 सुनो दो दो जुल्फा छल्ले वे छल्ले सारा ही जग सोना है ये माइये तो थल्ले वे। वाह जी वाह क्या बात है जोरदार तालियां हो जाए हमारे कलाकारों के लिए आज मजा आ गया बाजी। अरे कप्पू ए सुन अरे माय गॉड कितने गेस्ट ठीक हो बचात नहीं होया हाय कितना अच्छा लग रहे ले अर्चना जी दिलेर पाजी मिक्का पाजी जस्सी पाजी हंसराज हंस जी अपना कपिल ये शो सोनी टीवी बना रहे क्या पंजाबी बना रहे सारे पंजाबी इधर जमा कर डाल बहुत अच्छे। मैं तो कहती है कि मुंबई को आज पंजाब घोषित कर डालो। ऐसे कैसे मुंबई को पंजाब बना डालो हैं। अरे तो कुछ भी नहीं है कल मैं नाला सोपारा में पटियाला बना रही थी मालूम है। सपना जानती है कौन लोग आए फालतू बोल रही ऐसे तो क्या बोल रहे ला? कौन नहीं जानते पॉप सिंगर मिक्का है ना। अच्छा अब डायरेक्ट इधर शूटिंग पे आ गए उधर कुंभ में नहीं गए। वो कुंभ में क्यों जाएंगे मतलब पॉप धोने। सब लोग जानते बॉप पॉप करते हैं। अरे पॉप अलग होता है पाप अलग होता है वो इन पे छोड़ दो ये दोनों बहुत अच्छा कर लेते हैं। खैर दिलेर जी मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करती है सच्ची में वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड सिंगर इंडिया के जोरदार ताली हो जाए सच्ची में सच कह रहे हैं। लेकिन कितनी मेहनत इन्होंने की रहेगी खुद का नाम पैदा करने के लिए बहुत बड़ी बात है सच्ची में। आपने तो कितने सारे शो भी किए ना हजार के ऊपर शो किया आपने अभी 1 करोड़ मत मांगना। सपना तेरा चूर चूर हो गया। अच्छा आपका घर किधर है। मेरा घर दिल्ली में आपका बहुत बड़ा फार्म हाउस है ना हाँ तो 1 करोड़ रुपए दो ना मेरे को। सपना शर्मा आती तेरे पैसे पैसे मांग रही है कि नहीं। मैं इन्हीं से मांगेगी बहुत सारे लोग मेहंदी लगा के ना 500 रुपए के ऊपर नहीं कमा पाते इन्होंने दिलेर के आगे मेहंदी लगा के 1 करोड़ रुपए कमाए ले इनसे मांगे कि नहीं। ओए होए होए होए। अच्छा सर मेरा रिक्वेस्ट बोलो ना बहुत अच्छे लड़की देखो ना इनके लिए। मैं सही बताऊं मैं जब भी आपको शो में देखता हूं ना हाँ तो सही बताऊं कि अभी भी मेरा दिल आप पे आ जाता है आ गया है लेकिन लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे भाई के साथ शादी कर लो। क्या बात कर रहे हैं मैं तो ऐसे ही ढूंढ रही थी तो 4 दिन बाद छोड़ दे। अरे बहुत अच्छे रहेगा दिलेर पाजी आपने बोल तो दिया जैसे आप गाना गाते हो लिरिक्स लेते हो किसी से फिर आप कंपोजिशन करते हो फिर उसमें सब म्यूजिक व्यूजिक आता है
तो जैसे गाना बनता है ना बहुत सारे एफर्ट से, वैसे बहुत सारे एफर्ट से ये लड़की बनी हुई है। सपना तो क्यों बोल रही दलेर पाजी को, वो समझदार है ना मिका पाजी, खुद देख लेंगे अपने लिए लड़की। अरे वो तो देख लेंगे, लेकिन उसके बाद इंडिया न्यूज देखेगा उसका क्या होगा। सपना खबरदार, कोई फालतू की बात की तो। अच्छा ठीक है, मैं सर से बात करी। सर कैसे सर? हंसराज जी अजय तक ठीक है। अजय डर रहे पाजी। हंस जी आपका नाम हंसराज हंस से पूरा नाम ना सर? जी। और आपके बड़े बेटे का नाम नवराज हंस से? हाँ जी। छोटे बेटे का नाम युवराज हंस है? जी। तो इतने सारे हंस है, तो आप लोग घर पे रहते कि तालाब में? Love you. सपना पागल हो गई तू? हाँ मैं हंस हंस के पागल हो गई। अरे जो काम के लिए मैं आई थी, मैं तो मैं भूल ही गई। किस काम के लिए आई थी? मैं भूल गई बोला ना, इसको समझाओ ना, क्या बोलते रहते हैं। 9:30 के बाद कुछ हो जाता है कप्पू को सोनी टीवी के ऊपर। मैं आप लोग के लिए गाना लिख के लाई लिए। तू कैसे लिख लाई? तुझे तो आता नहीं लिखना। क्या बोला? होल्ड यार एक मिनट। अरे होल्ड 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 साल है दो यार सांस ले। प्लीज एक बार हंस 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 के पागल है। हंस हंस के लिए। तू कहाँ से गाना लिख लाई? तुझे तो आता नहीं लिखना। मेरे को पैदा होना आता था, मैं हुई ना पैदा। पैदा होना आता था क्या? ऐसा मैं गाना भी लिख के लाई लिए। हाँ सर ये गाना है मिक्का भाई जी, इसका थोड़े दो लाइन। पास हमका डॉक्टर बुला के चुभावेला लव की सुई, सावन में लग गई आग, हमारा दिल करे उई उई उई। मैं क्या बोलती है, गाने का आप रिमिक्स कर डालो ना। तो गाना बनाए भी नहीं अभी, पहले रिमिक्स कर दो। अरे रिमिक्स के बादशाह है, लोगों ने इतना मिक्स में नहीं कमाया जितना इन्होंने रिमिक्स में कमाया। और पता है बहुत फास्ट है। सिंगर लोग क्या करते हैं, ऐसा स्टूडियो में गाना गाते हैं, फिर आके गाड़ी में बैठते हैं, और जैसा रेडियो ऑन करते हैं ना, वही गाना रिमिक्स में गा रहे ले रहे थे। पाजी जैसे आप रिमिक्स करते हैं ना, ये मसाज करती है वैसे? अरे हाँ, मेरा बहुत अच्छा मसाज पार्लर है इधर, ये सपना भी। हमारे अलग अलग टाइप का मसाज है। मिक्का मसाज बहुत अच्छा करती है। मिक्का मसाज में क्या होता है? हम लोग इसमें कस्टमर के साथ पहले ढींका चीका करते हैं। फिर उसके बाद पाजी अगर वो पैसे नहीं देता ना, तो उससे गंदी बात करके उसको भगा दे। फिर हमारा वो मसाज बहुत अच्छा है, सारे गामा पता नहीं सा मसाज। अच्छा वो क्या है? उसमें हम कस्टमर के बॉडी का सारे गामा दबाते हैं पहले। फिर का सारे गामा दबाते हैं, फिर जैसे उसका पादा निकलता है नेक। ये पता है इतना खुश क्यों रे, ये वाला मसाज एक पिछले हफ्ते करा के गए। फिर हमारा सर वो वाला रिमिक्स मसाज बहुत अच्छा है। उसमें क्या होता है रिमिक्स में? उसमें क्या रहता है, जो सबसे पहले मसाज करके गया रहेगा ना, नए वाले के साथ उसको रगड़ते हैं हम। तो ऐसा करके रिमिक्स मसाज हो जाता है। फिर हमारा वो आपके लिए स्पेशल है सर। मेरे लिए? हाँ, सूफी मसाज। सूफी? उसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को सोफे पे लिटाते हैं, फिर उसकी फूफी को बुलाते हैं मसाज करने। ऐसा सूफी मसाज है। फिर हमारा फुल एंड फाइनल लास्ट मसाज है हंसराज हंस मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें हम कस्टमर को बुलाते हैं, उसको पहले ऐसे लिटाते आराम से, फिर अरोमा ऑयल रहता है ना, फिर उसका उससे बहुत अच्छा मसाज करते सर, फिर उसको नहलाते विलाते और ग्रीन टी पिला के घर भेज देते। ये कैसे? ये तो नॉर्मल मसाज होगी ना। तो मैं येड़ी थोड़ी, इतने बड़े सिंगर को थोड़ी बुलाएगी उधर मसाज करने। कैसा बोलते हो?
ये 9:30 के बाद कुछ हो जाता है इसको. पागल है, मैं चलती है सर अभी. अच्छा जितने भी हमारे यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं, मैं आपसे कैसे ही एक हमेशा हम विचार विमर्श करते हैं एक कोई ना कोई मुद्दे पे. जैसे दलेर पाजी और हंस पाजी हैं, दोनों जो है संगीतक परिवारों से हैं, म्यूजिकल फैमिलीज से हैं, और इनके बच्चों की आपस में शादी हुई. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि सेम प्रोफेशन से जुड़े लोगों में जब हम लोग संबंध बनाते हैं, रिश्तेदारी बनती है, वो अच्छी रहती है या नहीं? आप अपने अपने विचार पेश करेंगे. भाई साहब ने सवाल भी नहीं पूरा होने दिया. जी नया कुर्ता हमें पता आपने सिलवाया, पर दो मिनट हमारी बात तो पूरी होने दो. जी भाई साहब कहाँ से आए आप? सर पहले तो सभी जनन को राम राम. राम राम जी. मेरा नाम हृदेश राय है. हृदेश राय जी. सर जी क्या राय है आपकी इस बारे में? मेरी राय ये है कि सर मैं सोशल वर्कर हूँ और जो मेरी बीवी है प्रिया वो हेल्थ डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य विभाग में सर. अच्छा जी. और मेरा ये मानना है अगर हम दोनों एक साथ जॉब करते तो आज वो वहाँ जॉब नहीं मेरे साथ बैठी होती. हाँ. और मुझे चश्मा लगा के यहाँ वहाँ देखना पड़ता. हाँ. पर वो अभी जॉब कर रही हो, मैं यहाँ आपका शो देख रहा हूँ वो भी बिना चश्मा लगा के, और मुझे यहाँ वहाँ देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही. और दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है कि उनकी लेट नाइट ड्यूटी लगती है. अच्छा तो मैं नाइट में उन्हें फोन करता हूँ और मैं उससे बोलता हूँ जानू एक बात पूछूं क्या? आप भी जानू बोलते हैं, वो भी जानू. हाँ हाँ सर. चलो आप तो बोलते हैं, वो क्यों बोलती है आपको? वो इसलिए उन्हें बोलना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग एक साथ जॉब नहीं कर रहे हैं सर. अगर शायद एक साथ जॉब करते तो जानू की जान निकल जाई गई होती मेरे साथ. सर कभी कभी 19-20 हो जाता है तो मेरी जो बीबी है वो करवट बदल के उस साइड मुंह कर लेती है. पर मैं द कपिल शर्मा शो जैसे ही लगाता हूँ सर, विश्वास करिएगा 2 मिनट लगते हैं करवट बदल के इस साइड हो जाता है सर. तो उसके जानू फिर आप हुए कि हम? जी सर. अरे लव यू यार. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त जिनको इस विषय पे कुछ बात करनी है? जी मैडम. हेलो कपिल सर. हेलो जी. क्या हाल है? वर्षना मैम, मैं लखनऊ से आई हूँ. मेरा नाम गीता है. टुंडे कबाब नहीं लाई आप? आइए आप लखनऊ, आपको टुंडे कबाब खिलाएंगे. थैंक यू. मैं सोचती हूँ कि सेम प्रोफेशन में होना बहुत अच्छी बात है. मतलब एक कारण पे तो हमारी शादी नहीं हो पा रही थी. मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर सेम प्रोफेशन से हैं. ओके. तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम थी कि नहीं इस प्रोफेशन में सेम में शादी नहीं करनी है. बट क्योंकि हम लोग को एडमिट थे, हम लोग को करनी है, तो इसलिए हम लोगों ने करी. और ये मेरे हस्बैंड है, ये बताते हैं कैसे उन्होंने कन्विंस करा मेरे भाई को. तो आपका क्या विचार है सर? कपिल जी ऐसा है कि इनके ब्रदर ने मना कर दिया कि नहीं करनी है. क्यों? तो रीजन उनसे पूछा गया कि क्यों, तो उसने कहा कि क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े वाला फील्ड है और उस टाइम पे इनिशियल स्टेज था जी. तो बहुत लेट नाइट घर में एंट्री है और बहुत मतलब हेक्टिक शेड्यूल है और मेरी सिस्टर वहाँ पे जी. तो वो जो तो पाजी नहीं मान रहा थी, मीका भाजी देख कर चक ले आए देख लेंगे. फिर माने वो लोग. तो अल्टीमेटली मैं इनसे सहमत नहीं था. मुझे लगा कि आज हम दोनों असी जफिया बाबा काम कर रहे हैं, मतलब हमको कोई टेंशन नहीं है, आराम से सुख शांति का जीवन गुजार रहे हैं. मियाँ बीवी भी खुश हैं, साले भी खुश हैं, ससुराल भी खुश हैं. तो शादी तो सेम प्रोफेशन में होनी ज्यादा ठीक रहती है, अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है. क्यों भाजी जी इस तरफ भी है जी. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. तो अगर नहीं होता तो मैंने तो शादी नहीं करनी थी. कहाँ से आई आप? चंडीगढ़. चंडीगढ़ से आई हैं. अच्छा ये बड़ा होता है ना, जो स्पेशली जो बड़े मॉडल टाइप लोग होते हैं या फिटनेस फ्रीक होते हैं वो एक दूसरे से शादी करते हैं. मैंने कभी नहीं देखा कि जो मॉडल होगी वो किसी बिजनेसमैन से शादी कर लेगी या ऐसा. अरे ठीक है ना, मतलब मैं नहीं खा रही तो उसे भी नहीं खाना चाहिए. राइट राइट. मैं जो लिख के दूं वही डाइट प्लान उसे भी फॉलो करना चाहिए. वाह क्या बात है, ऐसी बीवी मिली ना आदमी का वैसे ही चेहरा खिला रहता है. ठीक है, ईश्वर आपको खुश रखे. जी जी देना जी गौड़. आपका नाम क्या है?
ओके माही माही के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू माही, आपने बहुत अच्छा जुम्बा करा यार. थैंक यू, वेरी गुड. संगीत के चार महारथी हमारे बीच मौजूद हैं, तो हम पाजी एक विशेष मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम का नाम बात की खाल. नमस्कार. ये नमस्कार दोस्तों, हम हैं बच्चा यादव और हमारे शो बात की खाल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर. ओहो माय गॉड यार, यकीन नहीं हो रहा है यार, सुर की दुनिया के चार महारथी हमारे आंखों के सामने बैठे हैं यार. टू मच. और इतफाक का बात देखिए, चार में से दो ससुर भी हैं. हंसराज जी, दलेर जी, हम बखूबी वाकिफ हैं कि आप दोनों समधी भी हैं. एक बात आपसे जानना चाह रहे थे कि आप लोग जब अपने एक दूसरे के घर पे कभी फैमिली के साथ खाना वाना खाने जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, तो फैमिली फंक्शन होता है या कॉन्सर्ट? वैसे दलेर जी, एक और बात है हमारे दिमाग में थोड़ी ऐसी कुलबुला रही है, जरा पूछना चाह रहे थे. सर, कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने घर में बैठे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, आपको खाने में नमक थोड़ा सा कम लगता है और अचानक आपके मुंह से निकलता है नमक नमक तू नमक नमक तू नमक नमक तू ला ला ला. फिर चलिए अब हम अपना ये डिबेट शुरू करते हैं. तो देवियों और सज्जनों, और काम चलाओ देवियों भी. आप सभी का स्वागत है इस डिबेट में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के फेमस सिंगर दलेर मेहंदी जी, सुरों के सागर हंसराज हंस जी, सुरों के किंग मीका सिंह, और सुरों के जादूगर जसबीर जस्सी. और इस तरफ हमारे साथ मौजूद हैं, मानू या ना मानू लेकिन बन गई हमारी जानू, तितली यादव. थैंक यू, आई लव यू तितली. और उनके साथ बैठी हुई है एक बहुत ही लुच्ची लफंगी आवारा. जिसको कोई नहीं बनाना चाहता है अपना, आई डोंट इवन वॉन्ट टू वेलकम हर, सपना. पराई औरतों के लिए इतनी लंबी लाइन और मेरे लिए इतनी छोटी सी लाइन. अबे उबली हुई पेंगुइन, तेरे पति ने मेरा इंसल्ट किया है. मुझे पता था, मैं तो ऐसे ही कह रही थी. और जितनी भी पराई औरतें हैं, कान खोल के सुन लो. यू रेड शर्ट, तुम मेरे पति को देख रही थी ना, किसी ने भी मेरे पति को आंख उठा के नहीं देखना. नहीं यार, वैसे भी कोई नहीं देखता, क्यों पनौती और लगा रही हो यार. थोड़ा सा कोई अगर आंख उठा के हमको देख भी ले तो बुरा क्या है. नहीं अर्चना जी, चलिए सच्चाई है कि वेजिटेरियन मुर्गा नहीं खाते, लेकिन मुर्गी को थोड़ा ऐसा दाना तो डाल सकते हैं ना. इतना तो चलता है यार. तुम दाना डाल के तो देखो, तुम्हारा दाना पानी ना बंद कर दिया और तुम्हारी मुर्गी ना निचोड़ दी ना, तो मेरा नाम भी तितली नहीं. आए बड़े. ठीक है यार, अब दाना अवेलेबल नहीं है तो मजबूरन पूरा मुर्गी खाना पड़ेगा हमको. ये मर्द लोग ना, इनको मुर्गी बहुत पसंद रहती है ना, अभी हम लोग भी दिखाएंगे कि हम लोग भी नल्ली निहारी का शौक रखते. जिसको हम समझ रहे थे सलाद का खीरा, वो तो निकली सकीरा. ए बकवास मत करना, इससे तमीज से बात कर. हमारे एरिया की लेडी मिक्का है वो, समझा. और तू धोखेबाज आदमी, तेरे जैसा धोखा नहीं देती है वो. जरूरत से ज्यादा बड़ी औरत, हमने कौन सा धोखा दिया है? क्या पूछता है? धोखा दिया है, आलू का पराठा खा के मूली के फाट मारता है तू. सच कहा? ये फाट बीच में कहां से आ गया? फाट जो है बीच में से ही आता है, तेरा साइड में से आता है. बात
कर रहे ले। ये क्या डिस्कस किया जा रहा है यार? ज्यादा मत बोल, तेरे से ज्यादा तो सैंडी हिलती रहती है तेरी। तो चलिए वक्त आ गया है कि हम अपनी डिबेट शुरू करें। करें। हेलो 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 सोनी साहब, हेलो सोनी साहब, हाँ मेरी आवाज आ रही है? अच्छा आवाज आ रही तो मेरे पैसे क्यों नहीं आ रहे? हाँ सोनी साहब मेरे पैसे टाइम पे भेजा करो, नहीं तो मैं आपको बता दूं आपके दो स्पॉन्सर मेरे कब्जे में हैं। अगर मेरे पैसे शाम तक नहीं आए मैं वो दोनों स्पॉन्सर क्राइम पेट्रोल को दे दूंगा। ओह माय गॉड, अर्चना पूरन सिंह ये आदमी कहाँ से आ गया? हे भगवान, हमारा सिद्धू खा गई। आइए आइए, मुबारक हो, लगातार भंकस करने वाले अंकल आ गए। मैं एक मिनट, मुझे साउथ में फोन लगाना है। हेलो साउथ इंडिया, सारे सिंगर पंजाब भेज दो क्योंकि पंजाब वाले सारे इधर आए हुए हैं। अरोड़ा जी, तो एक बात बताइए यार, देखिए दुनिया में तो आप बिना किसी कारण के आ गए, हम भी रोक नहीं पाए, सो सैड। लेकिन आपका इस वक्त आने का क्या कारण है यहाँ पर? अगर आप हमें बता देंगे तो हमारी इंद्रियों पे एक बहुत बड़ा एहसान होगा। बाकी मर्जी है आपकी, क्योंकि जीवन है आपका, क्या जाता है हमारे बाप का? हमारे बाप का बहुत कुछ गया है, तुम्हें पैदा करने में उसकी जान निकल गई। मैं तो दुनिया में बिना बताए आ गया था। आपको पता है मेरे माता पिता को भी नहीं बताया मैं आ गया। मैंने कहा पिताजी मैं आ गया हूँ, लड्डू बांट दो। फिर इनके पिताजी ने लड्डू बांटने के लिए गए ना मार्केट में, तो लोगों ने मना कर दिया, बोले ऐसे बच्चे के लिए क्यों लड्डू ले हम। Shut up, you assembled औरत। खुदा का खौफ खा और बच्चा यादव तू थोड़ी सौंफ खा। लोगों के मुंह से बदबू आती, तेरी बदबू से मुंह आ रहा है। मुझे मजा ही नहीं आया, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया तुम्हारी शक्ल देख के। थोड़ा सा मानवता का परिचय दीजिए यार, इतने बड़े बड़े बॉलीवुड के सिंगर्स आए हुए हैं पंजाब से। आज पंजाब से हैं अर्चना जी, पंजाब के ऊपर ऊपर वाले की इतनी कृपा है, हर दूसरा आदमी सिंगर है। और हर पहला आदमी? पहला तो पहले से सिंगर है। ये आदमी, इसको बिल्कुल अकल नहीं है, दुबला कहीं का। दुबला की दे रहे हो? सॉरी उबला। तो चलिए आज का डिबेट शुरू करते हैं। और इसके फाड़ से 6000 पक्षी मरते हैं, देखो कविता बन गई है। मैं किसी भी चीज की कविता बना लेता हूँ। तू टेंशन मत ले, तेरा बदला मैं लेगी। गो फॉर इट, गो फॉर इट। हेलो अंकल। हेलो। बोलो ना मोर। तेरा बाप चोर है। तेरी माँ चोर, तेरा खानदान चोर। नहीं नहीं गलत बोले, मैं तो काम चोर समझी थी। मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं भी जीत गई। अरे तितवी तुम क्या जीत गई यार? कुकर कढ़ाई, मैंने लॉटरी डाली थी, कुकर कढ़ाई, मैं बहुत कुछ जीत गई। बल्ले 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 बल्ले। अच्छा मैंने एक न्यूज सुनी थी। हाँ जी। केरला में शराब पी के हाथी हुआ पागल। नहीं मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने न्यूज सुनी थी। तुम करे क्या जा रही हो? कपड़े गंदे हो जाएंगे ना। इसकी गर्दन उतार के इसके अंदर कपड़े डालो, ये धो के सुखा भी देता है। तो चलिए इन बातों को इग्नोर करते हुए डिबेट को शुरू करते हैं। हमारे डिबेट का आज का मुद्दा है कॉन्ट्रोवर्सी। और कॉन्ट्रोवर्सी के ब्रांड एम्बेसडर मीका जी तो हमारे साथ बैठे हैं। ये बात तो सही कही। कॉन्ट्रोवर्सी मीका जी घमोरिया जैसी होती है, की नहीं जाती, हो जाती है। सुनो सुनो, वो बहुत ज्यादा गदराई हुई औरत, ये आप पर एग्जांपल आप प्यार का भी दे सकती थी कि प्यार किया नहीं जाता। हमारे नाला सुपर में घमोरिया ही होता है, तो उसी का एग्जांपल देगी मैं। अरे अंकल इसको समझाओ ना, समझता नहीं अब। यू उदबिलाव की फूफी।
देखो कंट्रोवर्सी जो होती है वो जैसे सुसु जैसी होती है, जब होनी होती हो जाती है, उसको आप रोक नहीं सकते। जस्सी जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपका एक गाना था कि दिल लेगी कुड़ी गुजरात दी। वाह भाई वाह, सारी उम्र पंजाब में रहे, पंजाब ने आपको इतना कुछ दिया, मक्की की रोटी, सरसों का साग, चिट्टा मक्खन, पर दिल गुजरात की लड़की लेगी, पंजाब की लड़की नहीं लेके गई, ये क्या मतलब हुआ? इस बात का जवाब जो है मेरी तरफ से मीका देगा। एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि शायद पंजाब की लड़की ने इसको पसंद ही नहीं करा कभी। हाय, सो सैड। और जो इसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो गुजराती थी, तो इन्होंने ये गाना उनके लिए बनाया था, राइट? थैंक यू सो मच। जिंदा। ठीक है ठीक है। तो जस्सी जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप अपना ध्यान रखें, कल को ये ना हो कि मार्केट में दूसरे गाने आते हो कि मेरा फेफड़ा लगी बंगाल दी, मेरा कुत्ता लगी झारखंड दी, मेरी आंखें लगी बंगाल दी, वो अच्छा नहीं लगेगा फिर। क्या सवाल पूछा है नुसरत फतेह अली खान के तबले। अच्छा अब दिलेर पाजी, मेरा आपसे एक सवाल था, आपने वो गाना गाया ले ना, आप वो जोर का झटका है जोर से लगा, फिर मिक्का जी आपने वो गाना गाए 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो आप लोग बॉलीवुड में काम करते कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में? बहुत खूब, बहुत खूब, तीन वाहियात लोग साथ में मैदान में उतर आए, वाह वाह वाह। अच्छा ऐसे लोग, आपको पता जब ये पैदा हुआ उस अस्पताल की नर्सों ने मिलके इसकी माँ को घेर लिया, कहते हैं जो रायता फलाया लेके जा। तो मैं काम करो, अपने आप को रिसाइकल बिन में डालो, हो सकता है दोबारा ठीक हो जाओ। मुझे अपने घर का एड्रेस दो। क्यों थे? मुझे वहां पे जाके आत्थू की डिलीवरी करनी है। दिलेर जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप पंजाब से, मीका बाजी, अंजना जी, जसबीर जी, मैं भी पंजाब से हूँ इसीलिए मैं भी खूबसूरत हूँ, आपके गाने गाते हुए निकल आते हैं हंसी निकल। मैं भी पंजाब से हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। ये पता इसने किया है, म्यूजिक नहीं है ये। मैं भी खूबसूरत हूँ, मैं पंजाब से हूँ, लेकिन आपके गाने गाते हुए लड़के मोटरसाइकिल में मेरा पीछा करते हैं और मेरे आस पास गेड़ियाँ लगाते हैं। अरे उनको लगता है चौक है। पर यार एक एक बात का तो मजा आ रहा है, मतलब जो भी भगवान करता सही करता है, मतलब एक तरफ चार मेरे शेर, बब्बर शेर, भारती हो, कपिल पाजी, कृष्णा, कीकू भाई, और तीन के इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे, और इधर हम चार बैठे हैं, आपको प्रणाम। आपको भी प्रणाम। थैंक यू मीका भाई। कीकू भाई, एक बार मुझे आपका जोक सुनना है, क्योंकि आप इतने कमाल के जोक सुनाते हैं। लीजिए यार, डिमांड कर दिए, पेश करते हैं भाई, इधर जोक सुनना है। जस्टिन बीबर का नाम सुना है आप? हाँ। जस्टिन बीबर सिंगर है, बहुत ही कमाल के। वो जब अपना खाना खाते हैं ना, तो ये जो उंगली है ना, खाना खाते वक्त ये उंगली कभी इस्तेमाल नहीं करते, पता ये क्यों? क्यों? क्योंकि ये मेरी उंगली है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कितना बढ़ोगे? देखिए यार, आप कितना बीच में बोलते हैं। अगर हमारे मेहमान आए, आगे आओ पहले, दो मिनट आगे आओ। अगर तुम इनको बता दो कि तुमने कौन से कलर के जूते पहने, मैं मान जाऊंगा। बस हो गया यार, तो पापी पेट का सवाल है, इसके लिए यहाँ पर खड़े हैं, वरना कब से इस डिबेट से चले गए होते हम। सर अगला मुद्दा, सर हम दलेर जी आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे, बाहुबली फिल्म में आपने गाना गाया, जी यार बाहुबली, हमको बड़ा अच्छा लगा। वाह वाह, आई लव्ड इट। वाह वाह, बड़ा मजा आया। लेकिन बाहुबली में आपने गाना गाया, मीका जी ने क्यों नहीं गाया? वाह, अच्छा अच्छा लगता मीका बाहुबली में गाना गाता, बाहुबली कहता ए बाहुबली चल दारू ला हट। वाह वाह
अच्छा लगता महारानी शिव काम नहीं करती ढिंक जी का ढिंक अच्छा लगता और देव सेना आगे करती गंदी बात अच्छा लगता मुझे पहले लगता था इसकी गर्दन ही नहीं है इसका दिमाग भी नहीं है आपको पता है जब इनकी शादी हुई दोनों मियां बीवी इनकी दोनों की गर्दन नहीं जयमाला नहीं हो पा रही थी एक दूसरे की टांग में डाल के मियां बीवी बने हंसराज हंस जी हाँ जी क्या बोला मेरा आपसे एक सवाल था हाँ जी आप हंसराज हंस हैं तो आपका ट्विटर अकाउंट पे चिड़िया है क्या आपने उधर भी हंस रखे ले अच्छा इसका ट्विटर अकाउंट पे पेंगुइन है पेंगुइन नहीं है ये लोग कलिंगड़ और ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं मालूम है अरे अरोरा अंकल इसको गौर से देखो एकदम लगता है ना ड्रैगन फ्रूट ऐसे डंडी के साथ नीचे सा टेढ़ा मेढ़ा अरे बाबी गंदी बातें कर रही है इधर क्या कहते हैं इधर आ मेरे बैंगन जैसे पति को ड्रैगन फ्रूट का इधर आ निकल यार इधर इसको नीचे लटा के इसके ऊपर बैठ जाओ बैठ जाओ तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऐसा ऐसा क्या कर रही थी पागल हो गई क्या पागल तूने मेरा पैंगन जैसे पति को कैसे ड्रैगन बोला मैं भी छोड़ेगी नहीं तेरे अरे दिलेर मेहंदी साहब जसबीर जस्सी जी मिका जी और हंस जी आप हमारे शो में आए हमें बहुत अच्छा लगा किस दिन हमें भी अपने गाने में बुलाओ तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए दिलेर पाजी हंस जी मिका पाजी और जस्सी पाजी के लिए जोरदार तालियां और आपकी जिंदगी में हंसी के पल यूं ही आते रहें और आप सब हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए कपिल शर्मा शो पाजी थैंक यू सो मच आइए पाजी इधर आ जाइए For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.